ऐसा इंसिडेंट कोई ना करे और किसने छूटा कौन सा वो प्रिंसिपल उसके कौन से प्रिंसिपल और ला है जिस यहाँ पे उसने सर्टिफिकेट इशू की है मेरी बस अपील है ये गवर्नमेंट इंतजामिया से एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा से इंसाफ चाहिए हमारे बच्चे उस मुजरिम को फांसी दे और जल्द से जल्द फांसी दे लोग खुद भी ये समझ जाएं कि हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है दूसरा ये कि इंतज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन पर भी ये जोर दें कि वो फास्ट ट्रैक बुनियादों पर इस केस की तहकीकात करके और इस मुजरिम को और इस रेपिस्ट को ऐसी कि इबरत रहे दूसरों के लिए बांडीपोरा का रेप केस हुआ उसी वजह से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं देखिए जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे कोई भी लड़की अपने घर से बाहर निकलने के लिए डरेगी तो इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आगे जाके ये किसी के साथ ना हो ये बार बार हो रहा है हमें कॉलेज जाना है स्कूल जाना है हम कैसे जाएंगे हमारे पेरेंट्स हमको बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं क्योंकि हमारे साथ इतना नाइंसाफ हो रहा है कि हम बाहर निकल खुद भी मैं कह रही हूँ मैं बड़ी स्टूडेंट हूँ मैं भी नहीं निकल पा रही हूँ क्योंकि एक डर बैठ गया अंदर हम किसी के खिलाफ नहीं है वी आर ओनली डिमांडिंग फॉर द जस्टिस एंड दैट्स इट हम इस केस के अंदर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं चाहते हैं हर एक सोसाइटी बिसाइड्स कास्ट कलर एंड क्रीड आज खड़ा हुआ है हम बस यही चाहते हैं कि रेपिस्ट को फांसी होनी चाहिए बस और हम ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे सब कि रैप यहाँ पे रैप नहीं होनी चाहिए जो लड़की का 3 साल बच्ची का रैप हुआ हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द इसमें जो कल्पित है उसको सजा दे दे ताकि लोगों को जो इसके साथ मुंसलिक है उनके फैमिलीज को इंसाफ मिल सके की बात यह है कि आखिर कब तक ये ऐसे लोग जो है खुले घूमेंगे हमारी डिमांड यही है कि इस 3 साल दोस्त जी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और हम इस सानिया को पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.